सो हे गाइस, क्रेजी गेमर इज बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और भाई आपने शुरू में तो देखा भाई 10-10 एचपी के आप लोग को हर जगह इस गेम प्ले में आप लोग को क्लच देखने को मिलने वाले। और भाई और गाइस, इस गेम प्ले में मैंने किए 30 प्लस किए, 30 प्लस नहीं किए। और भाई ये गेम प्ले ना बहुत तवाई गेम प्ले, तो यार प्लीज इस गेम प्ले को पूरा देखना। फिलहाल के लिए आ चुके उड़न खटोला महल में। और भाई ये पैरासूट की स्किन मुझे 2 दिन के लिए मिले और भाई काफी सही पैरासूट लगता है। तो भाई उतरते और पेलते हैं बंदों को। भाई शुरुआत में ही जब 10 एचपी हो चुकी है तो भाई बीच में और लास्ट में क्या ही तबाही मचेगी। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ गेम प्ले को पूरा देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को। तो यहाँ पे इस बंदे को नॉक करके पूरा फिनिश कर देता हूँ और शायद इसकी टीम जो रहती है पूरी की पूरी फिनिश हो जाती है। तो यहाँ पे आते हैं और भाई हीलिंग करते फिर बंदों पर रश करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ। इसका टीममेट मुझे पता था भाई ये गेट से जरूर आएगा, तो यहाँ पे हार्ड स्कोप करके बैठ जाता हूँ। और भाई ऐसा ही होता, देखो तो भाई यहाँ से बंदा आता भी है और मैं इसको नॉक कर देता हूँ। तो अब ये मत बोलना भाई ईएसपी यूज करता है, तो भाई साउंड नाम की चीज होती है भाई, हेडफोन नाम की भी चीज होती है, ठीक है। ये भाई साहब उड़ने के लिए इतना बेचैन थे कि भाई साहब ने कुछ लूटा भी नहीं, ऊपर जाके उतरे तो बस वहीं पे लेटे रहे। तो खैर यार, इन भाई साहब को नॉक करके पूरा फिनिश कर देते। और भाई पीछे से बहुत गंदा स्प्रे आता है भाई यूएमपी का, देखो भाई साहब मरते मरते बचा। तो गाइस अब जो इसके बाद क्लच होने वाला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक घटना पर आधारित है, तो बस देखते जाओ। भाई सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे जो क्लच होते हैं ना भाई बहुत मुश्किल से क्लच होते हैं। और मैंने बोला था भाई बहुत तगड़ा क्लच है ये वाला, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो फटाफट। तो उसके बाद मुझे सामने की तरफ एक बंदा स्पॉट हो जाए, इसको भी नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद मैं सीधा जो है उस पर रश करने के लिए चला जाता हूँ। और इतना तो मुझे पता था भाई वो लास्ट बंदा बच चुका है इस वाले उड़न खटोला महल में, तो भाई जाके पकड़ते हैं उसको फटाफट। तो यहाँ पे आई थिंक गाइस सारी के सारी जो टीम रहती है भाई खत्म हो जाती है। तो उसके बाद गाइस मैं आ जाता हूँ पोचिंग की में। और भाई पोचिंग की में आने के बाद ये पूरी की पूरी टीम को देखो मैं कैसे मारता हूँ। भाई ये जो टीम थी ना लिटरली भाई इतना तगड़ा खेल रही थी ना गाइस, 1-1 HP बचाऊ मैं यहाँ पे पोचिंग की में, बस देखते जाओ भाई कैसे ही मारा इनको मैंने। तो उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद सामने की तरफ से मुझे साउंड आने लगता है, तो मैं एक नेट फेंकता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि बंदा जो रहता है भाई कमरे में रहता है। तो भाई गलत नेट फेंक दिया मैंने और भाई बंदे ने क्या ही मतलब पीछे से फ्री फायर दिया। तो यहाँ पे मैं स्मोक करके आगे की तरफ जाते ही हूँ, लेकिन भाई देखो क्या सीन होने वाला है यहाँ पे। भाई साहब जो इसको मारा है ना मेरे से ही पूछो, लिटरली गाइस देख तो एचपी देखो मेरी भाई, अगर यहाँ पे ये बूस्टर नहीं मारता ना मैं तो यहाँ पे मैं खत्म था। और भाई उसको मारने के लिए मतलब स्कोप तो खोला था, लेकिन भाई जो मेरा फायर बटन है ना वो टैप ही नहीं हुआ भाई, इसलिए बहुत देर में मारा बंदा। तो यहाँ पे एक चाचा जो है मस्त टीपीपी ले रहे थे और एक चाचा जो है ब्रोकन बॉल पे क्रॉस करके आ रहे थे, भाई दोनों को पेल देते हैं। और अभी जो बंदे बते हैं भाई दो बंदे जो है सामने की तरफ हैं, तो भाई नेट नूट करते हैं और भाई देखते हैं बंदों को। तो भाई यहाँ पे अपने सस्ते नेट से तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं बहुत सारे स्मोक फेंक देता हूँ और फिर उसके बाद ये करता हूँ। मुझे पता था स्मोक फेंकूंगा तो बंदा जो है पीक जरूर लेगा, और भाई ऐसे ही होता है। और अभी इसका एक बंदा और बच चुका है जो कि भाई राइट वाले घर में से इसका साउंड आ रहा है, तो बस देखो भाई इसको कैसे फेंकते हैं। और भाई ये जो बंदा रहता है ना इसका टीममेट, भाई साहब अपने टीममेट को बचाने नहीं आता, नेड फेंकता, वो भी 3-3 नेड फेंकता है इस कमरे में। वो तो अच्छा हुआ भाई मुझे साउंड आ जाता है बंदे का, मतलब नेड फेंक रहा है वो, देखते जाओ भाई क्या ही सीन होगा। बस
भाई इसको जो गाली पड़ी होगी ना मेरे से ही पूछो, मतलब अपने टीममेट को रैप देने नहीं आया भाई, नेट फेंक रहा है मेरे को मारने के लिए। तो यार फाइनली इसको तो पैटी बना देते, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद कुछ बंदे स्पॉट होते हैं, जिसमें कि गाइस एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और एक बंदा अभी और बचा है तो उसको भी स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भाई बंदा जो स्पॉट नहीं होता, तो मैं वापिस जाता हूँ बग्गी पे, और बग्गी पे जाने के बाद भाई उसके पास जाता हूँ और भाई उसके साउंड आ जाता है। फिर देखो उसको कैसे पहलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे एक बंदा और स्पॉट होता है जो कि इसी का टीममेट था। मैंने सोच रहा था भाई ये आखिरी बंदा होगा, लेकिन भाई ये बंदा भी नॉक होता है, तो अब मैं इतना समझ जाता हूँ इसके टीममेट जो है अभी और होंगे, तो इसलिए मैं उसको नॉक करके पूरा जो है फिनिश नहीं करता हूँ। ट्राई करता हूँ इसको, मतलब इसके टीममेट को बुलाने का, और भाई ऐसा होता भी, इसका टीममेट जो है आगे की तरफ से फायर देता है। तो बस देखो इसको कैसे पहलते हैं। तो यहाँ पे मुझे बंदा स्पॉट भी होता है, उसको मारने की ट्राई करता हूँ भाई, दो तीन गोली लगती भी है और भाई काफी ज्यादा लो हो गया था। तो अब मैं इसके पास आता हूँ क्योंकि अब इस बंदे का जो है कोई काम नहीं रहता है, तो इस बंदे को पूरा फिनिश कर देता हूँ। पूरा फिनिश करने के बाद इधर पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद देखो भाई क्या करेंगे, यहाँ पे एक मोली फेंकता हूँ और बंदा जो भाई वहीं पे टीपी पे ले रहा था, और भाई उसको मोली लगती भी है। तो यहाँ पे बंदा नॉक हो जाता है, लेकिन इतने में ही राइट की तरफ से मुझे एक गाड़ी का साउंड आता है। तो बस देखो ये वाला स्प्रे, और भाई लाइक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे गाड़ी से दो बंदे उतार देता हूँ और भाई दोनों को अधमरा सा कर देता हूँ, और भाई उसके बाद मैं फिर से स्कोप खोलता हूँ, लेकिन कोई नहीं दिखता। तो उसके बाद मेरे को ध्यान आता है भाई ऊपर वाले बंदे को नॉक करके पूरा फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे नॉक तो कर ही दिया था, मैंने फिनिश करने जाता हूँ, लेकिन इसकी जो पेटी अपने आप बन जाती है। लेकिन भाई किल के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता, फिर किल के ऊपर ध्यान देता तो मुझे हाँ किल जो है इसका भी कन्फर्म हो जाता है, और उन बंदों का भी किल जो है कन्फर्म हो जाता है। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि सामने की तरफ से कोई बंदा जो है M24 चला रहा था, और भाई इस बंदे का स्प्रे देखो बस भाई साहब, मरते मरते बचा। अगर यहाँ तक नहीं पहुँचता ना तो ये बंदा भाई गाड़ी में से उतार देता। और अब जो मेरी हिम्मत थी ना भाई इस पर रश करने की बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई इसका जो स्प्रे देख के भाई मेरी फट गई थी सही बताऊँ तो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कैसे ना कैसे करके भाई आता हूँ, और भाई मैंने सोचा था जो होगा देखी जाएगी। भाई बंदा फिर से आता है, स्प्रे देता है, तो बस देखो अब इसको कैसे पेलते क्लोज में जाके। तो यहाँ पे आने के बाद एक नेट फेंकता हूँ कुक करके, लेकिन भाई ज़्यादा कुक नहीं करता हूँ, लेकिन बंदा जो रहता वो यहीं पे बैठा रहता, अगर थोड़ा सा कुक और कर देता ना तो बंदा मर जाता, लेकिन भाई बंदा कूद जाता है। और फाइनली इस बंदे को भी जो है मार देते। तो यहाँ से निकलते हैं, इसको लूट कर भाई काफ़ी सही स्प्रे दे रहा था बंदा, लेकिन फाइनली यार इसको क्लोज में बजा देते। तो उसके बाद मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन इतने में मुझे सामने की तरफ तीन बंदे दिखते हैं। तो यहाँ पे रोकता नहीं हूँ गाड़ी, लेकिन हाँ घुमा के ऊपर की तरफ रोक लूँगा गाड़ी। और भाई ये स्प्रे देखो इन बंदों को कैसे उतारते हैं, मतलब इनका चूतिया सा कट गया यार, मतलब यहाँ पे इनको लगा कि मैं जा रहा हूँ और भाई ये बंदे जो है मेरे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन इन बंदों का भाई गलत ही कट जाता है, और फाइनली यार तीनों की पेटी बना देते हैं। तो चलते हैं लूटने और भाई निकलते हैं यहाँ से फिर बंदों को मारने। तो उसके बाद लूट के मैं जा रहा था, लेकिन इतने मुझे सामने की तरफ एक बंदा स्पॉट होता है, भाई इसके ऊपर बग्गी चढ़ा दी है, ठीक है इसके ऊपर बग्गी चढ़ाई है ये बात याद रखना, लेकिन बंदा नहीं मरा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जाके एक बंदा जो है, उस बंदे के ऊपर बग्गी भी नहीं चढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी बंदा मर जाएगा, तो बस देखते जाना ये वाला सीन। तो इस बंदे को मार देते हैं, मारने के बाद भाई लूट के निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरी वेस्ट थी ना, वेस्ट की एलएल बिल्कुल खत्म थी, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से वापस जाता हूँ उन बंदों की तरफ, यहाँ स्क्वाड हाउस पे जिन बंदों को मारा था, और भाई यहाँ से एक वेस्ट उतारते हैं ठीक ठाक सी, मतलब काम चलाओ वेस्ट उठा लेते Level 2 वगैरह की, और फिर निकलते हैं बंदों पर रश करने। और भाई इसके बाद जो क्लच होने वाला ना, मतलब गलती होने वाला भाई, चारों के चारों बंदे मेरे ऊपर रश करेंगे एक साथ में। तो बस ये वाले क्लच देखो, और भाई लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस।
तो भाई मजा आया ना तो लाइक कर दो फटाफट। और अभी इस टीम का जो है लास्ट बंदा बच चुका है जो कि लेफ्ट की तरफ से आएगा मेरे ऊपर रश करने के लिए, तो भाई उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन भाई उससे पहले अपन को हीलिंग करनी पड़ेगी, तो बस देखो भाई लास्ट वाले बंदे को कैसे पेलते। और भाई लास्ट वाला जो बंदा था ना बहुत सही खेल रहा था, बस देखते जाओ। देखो यहाँ पे इस बंदे ने काफी ज्यादा मुझे डैमेज किया, लेकिन ये जो बंदा था ना भाई पैनिक हो जाता है अपने टीममेट की वजह से। ठीक है, इस बंदे को मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देता हूँ ना, ये बंदा खुद ही भूल जाता है भाई बंदे का साउंड कहाँ से आ रहा है। मतलब कि भाई बंदे को इतना ज्यादा पैनिक कर दूंगा ना, तो बस देखते जाओ। क्योंकि भाई सामने की तरफ मैंने इसके तीन टीममेट जो है नॉक कर दिए, नॉक करके पूरा फिनिश कर दिए, इसलिए बंदा जो है और काफी ज्यादा डर चुका है। मैंने पहले ही कहा था भाई बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो गया था यार पैनिक, इसलिए उस बंदे को कुछ भी पता नहीं चला। तो फाइनली यार इसकी पेटी बना देते हैं, और इसकी पेटी बनाने के बाद बचा है सिर्फ लास्ट बंदा, जो कि मैंने शुरू में एक बात कही थी कि उस बंदे के ऊपर भाई गाड़ी भी नहीं चढ़ाऊंगा फिर भी बंदा मरेगा, तो भाई ऐसा ही होगा, बस देखते जाओ। गाड़ी बिल्कुल बगल से उतरी, उस बंदे के ऊपर पूरी गाड़ी चढ़ाई, लेकिन नहीं मरा, ये बंदा मर गया। अब भाई क्या ही सीन है पबजी यार, ये सुधारो तो कम से कम। सो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पसंद आए भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।